ओम शांति। आज 13 मार्च 1971, प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जो आज हम बच्चों को बंधन मुक्त बनने की युक्तियां बता रहे हैं, क्योंकि निर्बंधन होना, बंधन मुक्त होना, ये हर बच्चे की आश है। उन बंधनों को कैसे हम तोड़ें, उन बंधनों से हम स्वयं को कैसे मुक्त करें, ये है बाबा की आज की मुरली। सुनते हैं। जो भी यहाँ बैठे हैं वो सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं। वह अभी तक कोई ना कोई बंधन है, शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। जो समझते हैं सर्व बंधन मुक्त बने हैं वो हाथ उठाए। अब आप देखिए, ये दुनिया के अंदर भी लक्ष्य रखा जाता है मुक्ति का। अब मुक्ति का असली भाव क्या है, अगर किसी को डीपली पूछा जाए कि मुक्ति किससे चाहते हो, मोटे रूप से वो कह देते हैं दुनिया से ही मुक्ति, हम दुनिया में आए ही ना, सदा के लिए बस मुक्त हो जाएं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है, अनुभव से बताओ, क्या तुम शरीर छोड़ना चाहते हो, क्या तुम सचमुच मरना, तो कोई भी नहीं चाहता। प्रैक्टिकल तो यह है, क्योंकि बिल्कुल मरण बिस्तर पर भी होगा तो भी डॉक्टर को कहेगा, डॉक्टर साहब मैं बच जाऊँगा। घर वाले भी उसको बचाने की ही कोशिश करते हैं। तो जब उनसे ज़रा एनालिसिस करके पूछा जाता है तो वो खुद बताते हैं, हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। अगर इससे मुक्त हो जाए फिर हमें जीवन में कोई कष्ट नहीं। यूँ भी देखेंगे, जब कोई व्यक्ति रोगी होता है कई प्रकार के परहेज करता है, उसको कहा जाता है ये नहीं करेगा तो बीमारी नहीं छूटेगी। जो ही वो ठीक हो जाता है वो सारे परहेज छोड़ देता है। तो कहने का भाव ये, मुक्ति जो है बंधन से मुक्ति ही चाहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाबा के पास तो बच्चे आते ही इसलिए हैं, क्या तुम सचमुच अपने आप को बंधन से मुक्त महसूस करते हो? जो समझते हैं सर्व बंधन मुक्त बने वो हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वो दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं एक है शरीर में रहना कर्तव्य के लिए, बंधनों में आकर नहीं, बंधन काटने के लिए नहीं, सेवा के लिए स्वतंत्र है, बंधनों से मुक्त है। वो बने हो क्योंकि बंधन कई प्रकार के होते हैं। शरीर का ही बंधन है, शरीर को रोग आ जाता है, प्रकृति का बंधन है, संबंधियों का बंधन है, हिसाब किताब का बंधन है, पुराने संस्कार ही व्यक्ति को बांध के रखते हैं, स्वभाव हैं, अनेक प्रकार की जो जो बंधनों की जंजीरें हैं जिन्होंने आत्माओं को बांध रखा है, उनसे मुक्त हुए और केवल जी रहे हो तो सेवा के लिए, कि हम हमारा जो कर्तव्य है ईश्वरी सेवा करना, 100% प्योरिटी को धारण करना, हर प्रकार के गुणों को धारण करना, उसके निमित्त रुके हुए। बाबा कहते हैं ये बताओ, जिन्होंने भी हाथ उठाया वो कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं? निशानी बाबा ने बताई, जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। ये भी निशानी बताई, ये परेशान होना इस थोड़े समय के लिए भी, परिस्थितियों में उलझना और मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलना, ये बंधन की निशानी है। यानी बाबा ने, मैं रिपीट करती हूँ, संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन
संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी वह उसका भी लेश मात्र अनुभव करते हैं, वह उससे भी परे हो गए। बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वो ऐसे हैं। अब बाबा कहते हैं कि पूरी डेफिनेशन जब तक ना जाने तो भावना से भी हाथ उठा देते हैं, काफ़ी सारी जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसके आधार पर भी हाथ उठा देते हैं। जैसे डॉक्टर जानता होता है कि ऊपर से तो बीमारी ठीक हो गई है, पेशेंट भी कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, वो कहते नहीं तेरे अंदर बहुत सारी सूक्ष्म अभी जर्म्स हैं, कई चीज़ों का अंश है और अगर वो रह गया तो वंश बन जाएगा, इसलिए पूरा कोर्स कर, चार दिन और रुक। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं जिन्होंने हाथ उठाया उनको ये निशानियाँ बताई हैं, इन निशानियों के अनुसार बताओ कि हम बंधन मुक्त हैं। इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना, जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वो सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त, और जो योगी होगा ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जान बूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं बाबा कह रहे हैं, तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। देखिए बाबा ने बंधन मुक्त की निशानी बताई है, योग युक्त होगा, योग युक्त होने वाला ही बंधन मुक्त बनता है। और हमें टेस्ट करना हो हम कितने डीपली योग युक्त स्थिति में रहते हैं, कितना समय रहते हैं, हम अपनी बंधन मुक्त अवस्था को देख सकते हैं। अब बाबा ने सूक्ष्मता बताई कि आपके मन के अंदर व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है, तो इस प्रकार के बंधन बताए। अब बाबा कहता है योग युक्त हो गए, योग युक्त की भी क्या निशानी है? क्योंकि अगर थ्रेटिकली कोई समझे वो कहेगा मैं तो योग में ही हूँ, मेरे तो बंधन है ही नहीं, दिखते ही नहीं है। तब बाबा ने कहा प्रैक्टिकल निशानी क्या होगी, योगी जो होता है वो सहयोगी होता है। अर्थात जो योगी नहीं है उसके अंदर तो बंधन है, वो दूसरे के का सहयोगी होगा, वो तो अपने बंधनों को ही काटने में लगा हुआ है, उसमें फंसा हुआ है, उससे परेशान है। तो योगी जो होगा बंधन मुक्त जो होगा वो सहयोगी होगा, अर्थात उसके पास हर चीज़ के लिए दूसरों को सहयोग देने की अनलिमिटेड कैपेसिटी होगी, उसके पास स्टॉक जमा होगा। और वो सहयोग भी जो देता है योगी जो है वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उसके लिए कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये भी नहीं देखता इसको मैं सहयोग है कि इसको मैं सहयोग दूंगा तो मुझे इससे कहीं लाभ होगा, कुछ भी नहीं, वो अनकंडीशनल सहयोग देता है। और फिर उसका फल क्या मिलता है? उसको सहयोग मिलता है, जो सहयोग देगा वो सहयोग पाएगा, जो सहयोग रोकेगा उसका सहयोग भी रोक लिया जाएगा, जो कुछ लोगों को सहयोग देगा वही लोग उसको सहयोग देंगे। तो सदा सहयोगी सर्वदा सहयोगी ना सिर्फ बनता है बल्कि दूसरों के सहयोग का भी अधिकारी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी निशानी हो गई। तो योगी अर्थात सहयोग देने वाला और सहयोग लेने का अधिकार पाने वाला। निर्बंधन व्यक्ति ही योग लगा सकता है, अगर बंधन है तो बुद्धि का आकर्षण तो उस तरफ होगा, बाबा से योग लग ही नहीं सकता, तो योग लगाने के लिए भी निर्बंधन होना। दोनों चीजें ओत प्रोत है,
योग लगाने से भी बंधन टूटते हैं, और जितने बंधन टूटते हैं उतना योग गहरा लगता जाता है, ज़्यादा समय लगता जाता है। और दोनों का परिणाम ये है कि हमने टेस्ट करना हो तो हम कितनी हद तक सहयोगी बने हैं और कितनी कहाँ तक हमको दूसरों का सहयोग प्राप्त होता है। योगी अर्थात सहयोगी, जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। अब ये बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि योगी को सहयोग क्यों सर्व का प्राप्त होता है, उसकी बहुत गहरी बात बाबा ने बताई है। इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ जी, बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, यूं भी कहा जाता है कि अगर फल पेड़ हरा भरा होना है, पेड़ का फल पूरा पका हुआ और स्वाद होना है, तो उस पेड़ के बीज को पानी दो, बीज की रक्षा करो, बीज को हर प्रकार से सशक्त बनाओ। उसका नतीजा क्या होता है कि बीज से ही पेड़ के निकलता है और उसी से फाइनली फल निकलता है। तो बीज को दिया हुआ पानी सारे पेड़ को पहुंचता है, तो इसलिए बीज के साथ स्नेह रखना, बीज को योग लगाना, तो सारे वृक्ष जैसे उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो सारा वृक्ष ही आपको फल देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने बीज का ध्यान रखा। तो ये करेक्ट शॉर्टेस्ट तरीका है सबका सहयोग पाने का, क्योंकि जो परमात्मा को प्यारा होता है सब उसको प्यार करते हैं। दुनिया के अंदर भी देख लीजिए, जो भी लोग परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं उनको सारे लोग हर प्रकार से सहयोग देते हैं। इसलिए बाबा कहता है तुम योगी बनो, बीज को ही कनेक्ट करो और बीज को अच्छी तरह से स्नेह करो और बीज को अपना सब कुछ समर्पित करो। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो फाइनली बाबा ने सारी बात स्टेप बाय स्टेप बताई है कि ऐसे करो तो ऐसे होगा। संपूर्ण निर्बंधन, वो भी बहुत डीप तरह का बंधन जो है उससे भी मुक्त, सर्व प्रकार के बंधनों से सदा मुक्त बनने के लिए बाबा ने क्या कहा कि योग युक्त बनो। लेकिन योग भी कौन सा, आज दुनिया के अंदर ऐसे भी योग हैं जिनमें परमात्मा के बीच के साथ कनेक्शन की बात ही नहीं है। कोई शारीरिक योग कर रहे हैं, कोई प्राणायाम चढ़ा रहे हैं, कई प्रकार के हठ कर रहे हैं, भोजन का परहेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, योगी में ये स्वतः ही होती हैं। लेकिन बाबा कहता है कि ये एक सारी क्रियाएँ शारीरिक हैं और शरीर तक ही सीमित हैं। बाबा कहते हैं मन की शुद्धि भी इसीलिए करवाते हैं कि उससे तन अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो योग है उसमें फिर आपको योगी बनने के बाद भी अनेक लोगों से प्राप्तियों की इच्छा भी रहती है और वो प्राप्तियाँ उनको मिलती नहीं, इसलिए वो भटकते रहते हैं, बुद्धि उनकी भटकती रहती है। बाबा कहता है योग से यहाँ क्या मतलब है, जो परमात्मा ने खुद सिखाया है, जिसका थोड़ा थोड़ा वर्णन गीता में है कि मुझे याद करो। डायरेक्टली भगवान ने कहा मेरे साथ कनेक्ट होगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारा कनेक्शन ऑटोमेटिकली सबके साथ हो जाएगा।
जैसे कहते हैं ना, दुनिया के अंदर भी आज परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए सच्चा वर्ड ब्रदरहुड नहीं है, क्योंकि पिता परमात्मा को मानेंगे तो सब भाईचारा होगा। इसी प्रकार से ब्रह्मा से अगर कनेक्शन नहीं है तो संसारिक तौर पे भी सब अपने आप को ह्यूमन बीइंग्स के तौर पर भी भाई भाई नहीं मानते हैं। बाबा कहते हैं इसी प्रकार से अगर आप और डीपली देखेंगे तो वीर से कनेक्शन होना, सारे विश्व से कनेक्शन होना, और वीर से रियल कनेक्शन होगा तो आपको सबका स्नेह, सबका योग मिलेगा, ऐसा योग। और उसके फिर बाबा कहता प्रतिफल, बाबा ने कहा कि आपको जगह जगह जा कर के ना सहयोग की आशा रखनी पड़ेगी और ना ही सहयोग मांगना पड़ेगा। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा ने साफ साफ बताया उनके अंदर ये इच्छा ही पैदा नहीं होगी कि हम इनको सहयोग दें। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे, शॉर्टकट रास्ता ये है। तो प्यारे बाबा ने यही शॉर्टकट रास्ता बताया है। हम भक्ति में भी कहते आए थे कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब, हाँ सब साधे सब जाए, जो मूल को अर्थात जड़ को पानी दे वो तो पेड़ फूल फल के बड़ा होता है। इसी प्रकार से बाबा ने उसी बात को कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये करो, क्रिएटर से कनेक्शन रखने से सारी क्रिएशन से आपका आप ही कनेक्शन हो जाएगा, क्रिएशन के पत्ते पत्ते से इस प्रकार का कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर डीपली हम ये तरीका अपनाएंगे जिसको कनेक्शन कहते हैं, योग कहते हैं, कि परमात्मा बीज रूप से योग रखेंगे तो आपने क्रिएटर को सहयोग दिया अर्थात सारी क्रिएशन को सहयोग दिया, तो सारी क्रिएशन भी आपको अपने आप ही सहयोग देगी। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बाबा कहते हैं बंधन में एक्चुअली आते इसलिए हैं कि ना तो अपनी सर्व शक्तियों का सहयोग, ये जो बाबा सर्व के सहयोग कह रहे हैं ये पहले अपने से बिगिन होता है। जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होती है तो बाबा ने क्या बताया, उसकी बुद्धि जो है वो शक्ति के रूप में मदद करती है, शक्तिशाली होती है, और बुद्धि को जहाँ ले जाना चाहे, जिस जहाँ जितने तक ले जाना चाहे ले जा सकता है। और अगर बुद्धि शक्तिशाली नहीं कमज़ोर है तो बुद्धि का निर्णय भी कमज़ोर होगा, बुद्धि भटकेगी। तो एक बुद्धि भटकेगी तो आप सोचिए आँखें भी भटकेंगी, मुख भी भटकेगा, पाँव भी भटकेंगे, आपका धन जो भी आपके रिसोर्स हैं वो एक प्रकार से फोकस होकर श्रेष्ठ काम में नहीं लगेंगे। जब यही नहीं होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर्म ऐसा होगा जो दूसरों का सहयोग प्राप्त नहीं करवा सकेगा। बाबा ने मोटे रूप से कहा हुआ है कि अभिमान मुक्त, तो उसके व्यक्ति को अभिमान भी आएगा, तो अभिमान का रिजल्ट क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति का स्नेह नहीं पा सकेगा, निर्माण नहीं होगा। लोभ मुक्त, तो जब बुद्धि भटकी हुई होगी तो ये भी नहीं समझेगा कि लोभ एक बहुत बड़ा दूसरों को दूर करने का कारण है, लोभी के कोई समीप ही नहीं आता। क्रोध मुक्त, तो बाबा ने कहा ये सारी चीज़ें जो कर्म बंधन में बांधती हैं
और ही व्यक्ति को कई प्रकार के बोझ में लाती हैं, वो छूट जाएंगी। ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा? बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। नहीं, ये भी जरूरी है, सहयोग भी तब प्राप्त होता है जबकि स्नेह हो। अगर स्नेह नहीं है तो सहयोग क्यों होगा? और स्नेह के दुश्मन कौन है? अब किसी के अंदर क्रोध होगा, किसी के अंदर लोभ होगा, अभिमान होगा, या बाबा कहते हैं न्यारापन नहीं होगा, मोह होगा, स्वार्थपरता, आसक्ति होगी, काम वासना होगी, तो वो स्नेह लोग उससे दूर भागेंगे या उससे स्नेह करेंगे। तो खुद ही व्यक्ति जो है ना स्नेह दे सकता है ना स्नेह ले सकता है, इसलिए उसके लिए इस प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा ने कहा है कि सहज सहज करते तुमने बहुत समय लगा दिया। नाम है सहज राज योग। हम सहज योगी हैं, लेकिन सहज करते करते उसको सहज बनाया नहीं, अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है, अभी भी कहते हैं पूरे बंधन मुक्त नहीं है। तो फिर बाबा कहता है सहज का अर्थ है कि सहज से वो प्राप्ति भी हो। मार्ग सहज है कि एक परमात्मा बीज को याद करने से सारी प्राप्ति होगी, लेकिन एक बीज को याद करने की बजाय देह अभिमान के आकर के अपने ना पुराने संस्कार छोड़ते हैं, ना स्वभाव छोड़ते हैं, ना पुराने संबंधों को छोड़ते हैं। जब पुराना ही पुराना दुख देने वाला धारण किया हुआ है तो प्राप्ति कैसे होगी? ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई, कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूरत ही सर्व आत्माओं के आधार मूरत बन सकते हैं, क्योंकि जो खुद निमित्त आधार मूरत है वो भी दूसरों का भी आधार मूरत बन सकते हैं और उनका उद्धार भी कर सकते हैं। जो खुद निमित्त नहीं है, देह से असक्त हैं, अटैच्ड हैं, यानी देह से न्यारे नहीं हैं, तो फिर वो योगी नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें फॉलो करती हैं। बाबा ने कहा ना, जो स्वयं ही अधीन है वो उद्धार दूसरे का क्या करेंगे। इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हर एक है। सीधी बात है, जितना अधीनता से परे होंगे उतना सफल होंगे। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। वो कौन से दो शब्द हैं? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1-2 का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वो भी कैच करेंगे। अभी अजन बन रहे हैं इसलिए सोचना पड़ता है। यानी दूसरे को क्या चाहिए उसका हमें पता नहीं है, तो उसमें भी हम दूसरे को कुछ चाहिए, हम उसको कुछ दे रहे हैं, तो ये क्लैरिटी ना होने के कारण भी हम उसको दे भी रहे हैं पर वो फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो ये पावर भी तो चाहिए ना, कि दूसरे को क्या चाहिए उसको एग्जैक्टली वो देने से आपका समय भी बचता है, शक्ति भी बचती है, और थोड़े में वो पूरा संतुष्ट हो जाता है। अगर सेल्समैन है किसी दुकान का, उसकी सेल्समैन की एक्सपर्ट इसीलिए इसी तरह से गिना जाता है कि जो भी कस्टमर आता है उसको जज करके उसको क्या चाहिए उसी प्रकार की चीज़ें थोड़ी सी उसको दिखाता है। अगर सेल्समैन अनाड़ी हो, किसी को मीडियम प्राइस की चीज़ चाहिए, उसको वो टॉप प्राइस की चीज़ देना शुरू कर दे ये सोचकर ये अच्छी है, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए ये रीडिंग पावर दूसरी आत्माओं की उनको संतुष्ट करे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी
उतनी ही स्पष्ट होगी जितने हम योग युक्त होंगे, परमात्मा से कनेक्टेड होंगे, हर चीज स्पष्ट होगी। बाबा कहते वो दो शब्द हैं, हाँ, साक्षी और साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी, ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। यानी परमात्मा साथी हो, हम दुनिया में निमित्त मात्र बन के साक्षी होकर वो शक्तियों के द्वारा जो परमात्मा से मिलती हैं कर्म करेंगे, तो शक्तिशाली को अधीन हो ही नहीं सकता वो, तो इसलिए उसके बंधन मुक्त बहुत सहज हो जाएगा। बाबा ये जो कहते हैं कि साथी और साक्षी, बाबा को साथी कैसे बनाएं? बाबा यही कहते ना, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो जब हम बाबा से कनेक्टेड हैं तो बाबा हमारा साथी है, और जब हम बाबा से कनेक्शन कटा तो फिर दुनिया हमारी साथी बन जाएगी और बाबा साखी बन जाएगा। बाबा कहते हैं या तो मैं साथी हूँ तो दुनिया से तुम न्यारे हो, अगर दुनिया साथी है तो तुमने मुझे अपने आप ही न्यारा कर दिया। इसलिए बाबा को साथी बनाकर दुनिया से साखी बनना है, ना कि उल्टा करना है। तो योग का अर्थ यही है कि बाबा को हम साथी बनाएं। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी, ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। ये बहुत गहरी बात है कि सर्वशक्तिवान को साथ रखेंगे तो उनकी सर्व शक्तियाँ उपलब्ध हो जाएंगी, और साक्षियों के करेंगे तो कोई भी प्रकार का बंधन हमको बांध नहीं सकेगा। तो बंधन मुक्त हुए होना, इसके लिए दो शब्द सदैव याद रखना, वह योग वह सहयोग, दोनों बातें आ गई। यानी साथी और साखी में योग भी है और सहयोग भी है। अब ऐसा पुरुषार्थ कितना समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस बारी ये अपने आप से संकल्प करके जाना। यानी बाबा ने विधि बता दी, अब कहा कि इसका दृढ़ संकल्प करके जाना है कि हमें साखी और साथी रह करके जो योग का फल है कि सबसे सहयोग मिलना और सबको सहयोग देना, वो ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। मैं साक्षी होकर के अपने कर्म कर रही हूँ, हाँ, इसकी निशानी क्या दिखाई देगी? न्यारा। तो बाबा कहता है अनासक्त वृत्ति। साक्षी की दो निशानियाँ हैं कि जितने तो देहधारी हैं उनको हम आत्म भाव से देखें, देह के भाव से ना देखें। बाबा कहता है रूहानी नज़र से देखेंगे तो आप उनको स्पिरिचुअल ब्रदर देखेंगे, जो ही आप देह में आएंगे तो आप उनके रिलेशन संबंध इत्यादि इत्यादि में जाएंगे, और जो वस्तुएं हैं उनसे आप अनासक्त भाव से देखो कि ये वस्तुएं जो हैं मेरे आवश्यक प्रयोग के लिए हैं, मेरे कर्तव्य की पालना के लिए हैं, ना कि मैं उनसे ही आसक्त हो जाऊं, क्योंकि फिर मेरी साधना भंग हो जाएगी, मैं साधनों में खो जाऊंगा, अर्थात योगी के बजाय ना चाहते हुए भी मैं उन वस्तुओं के भोग में लग जाऊंगा, तो शक्ति नहीं रहेगी, भोगी में शक्ति नहीं रहती। इसलिए बाबा कहता है कि ये दो शब्द जो हैं ये हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को सहज भी है, टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्होंने का पूरा जीवन ही निमित्त है, समझा? टीचर्स हैं ही निमित्त बने हुए, तो उन्होंने को ये संकल्प रखना है इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। बाबा ये के तो आगे सहज है ना।
बाबा के आगे जितनी प्रकार के भी बच्चे बैठे हैं, हर एक की परिस्थितियों के अनुसार उनको ये सहज कैसे है, कौन सी अपनी वो विशेषता को याद रखें तो सहज है और उस विशेषता को भूल जाएं तो वो मुश्किल है, इसमें बाबा ने कैटेगरी वाइज बताया है। ये जो धारणा बताई है, ये जो विधि बताई है सिद्धि प्राप्त करने की, सबसे पहले बाबा ने ब्रह्मा कुमारी टीचर्स जो सामने बैठी हैं उनको कहा कि देखो तुम टीचर्स हो तो टीचर नाम से ही, और तुम्हारा जो कर्तव्य है वो क्या है कि तुम निमित्त हो, तुम्हारा अपनापन तो कुछ है ही नहीं, तुम तो सरेंडर हो गए भगवान के आगे, और अपनापन नहीं तो तुम निमित्त हो, निमित्त हो तो तुम्हारी अटैचमेंट तो हो ही नहीं सकती, ना तो अपने शरीर से हो सकती है, ना अपने साधनों से हो सकती है, ना जिनको आप शिक्षा दे रहे हो, जिनका आप जीवन बना रहे हो उनसे हो सकती है, क्योंकि अपना तो है ही नहीं। एक टीचर पढ़ाने जाता है स्कूल के अंदर, उसको सारे साधन मिलते हैं दुनिया में भी, अब उसको क्लासरूम मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती हैं, और सामने स्टूडेंट मिलते हैं। अब टीचर उन चीज़ों को अपनी तो नहीं गिनता, वो तो है ही निमित्त, पढ़ाने के लिए एज ए टीचर उसको ये टूल्स और साधन मिले हैं। आजकल तो बड़े सोफिस्टिकेटेड साधन भी मिलते हैं क्योंकि पढ़ाने का तरीका बदलता जा रहा है। फिर आगे स्टूडेंट मिलते हैं, अब टीचर जो है पूरी लगन से उन स्टूडेंट को पढ़ाता है और वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि मेरे स्टूडेंट सारे ही लाइक बन जाए, सारे ही फर्स्ट डिवीज़न में आए, फेल कोई भी ना हो, सारे ही अपना नाम रोशन करें। और आप देखेंगे जो वीक स्टूडेंट होते हैं उसको टीचर और ज़्यादा ध्यान से पढ़ाता है। अच्छा, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है, अब कोई स्टूडेंट फर्स्ट आ जाता है वो टीचर का नाम रोशन करता है, कोई स्टूडेंट फेल भी हो जाता है वो टीचर का बदनाम करता है, लेकिन क्योंकि टीचर साखी है, वो सब जानते हैं कि टीचर ने तो उनको पूरा ही पढ़ाया है, दोनों को बराबर ही पढ़ाया है। अब कोई फेल होता है तो टीचर की जिम्मेवारी तो नहीं है, इसलिए टीचर उसमें न्यारा रहता है, साखी रहता है कि मेरा काम अपना कर्तव्य करना है, वो मैंने जितना बेस्ट हो सकता किया, आगे रिजल्ट हर एक परिणाम है। तो बाबा कहते हैं टीचर के काम ही ऐसा है जिसमें वो निमित्त है, जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर भी निमित्त है, अब डॉक्टर बेस्ट से बेस्ट यथाशक्ति हर पेशेंट के लिए बचाने की कोशिश करता है, उसको स्वस्थ बनाने की करता है, जो पेशेंट ज़रा सीरियस होता है उसका ज़्यादा ध्यान करता है। लेकिन बाबा कहता है अब कोई ठीक हो जाता है, कोई अपने कर्मों या अपनी त्रुटियों के कारण लंबा रोग हो जाता है, कोई मर भी जाता है, तो डॉक्टर ठीक होने वाले के लिए मिठाई नहीं बांटता और मरने वाले के रोता नहीं है क्योंकि साखी है। तो ये जो रोल है टीचर का, ये तो बड़ा नोबल रोल गिना जाता है, क्योंकि परमात्मा भी सुप्रीम शिक्षक है, उसी का कर्तव्य देहधारी टीचर कर रहे हैं। तो टीचर में अपनापन तो होता ही नहीं, ना वो किसी स्टूडेंट का धन देखता है, ना स्टूडेंट कार में आता है या साइकिल पर आता है वो देखता है, तो ये एडवांटेज है ना। तो बाबा कहते हैं इस एडवांटेज को टीचर्स को देख के साखी और साथी की अवस्था सहज प्राप्त हो सकती है। बाबा ने कहा है गोपों से, लोगों को तो फिर डबल जिम्मेवारी है। अब बाबा भाइयों की बात कर रहा है, तुम लोगों को, हाँ, इन लोगों को तो डबल जिम्मेवारी है, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। बाकी जो है निमित्त बने हुए तो उन्हों के लिए तो सहज है। पहले बाबा ने दोनों का कंपैरिजन करके टीचर्स की विशेषता का वर्णन किया, इनको तो डबल जिम्मेवारी है, ये इनको अपना परिवार भी चलाना पड़ता है, व्यवहार भी चलाना पड़ता है और निमित्त न्यारे रहना पड़ता है, तुमको तो ड्यूटी निमित्त बनने की है, इसलिए इनकी भेंट में टीचर को सहज। अब आगे पढ़िए, बाकी जो है ही निमित्त बने हुए उनों के लिए तो सहज है। आप माताओं के लिए फिर सहज क्या है, जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज। अब दूसरे ग्रुप बता रहे हैं कि आपकी क्या विशेषता है, आपका कौन सा कर्तव्य है जिसके कारण आपको भी सहज है,
माताओं को जो गृहस्थी है उनको भी सहज है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों के सामने सदैव कंट्रास्ट कंट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। बाबा ने चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो स्त्रियां हैं, चाहे वो गोप हैं, चाहे माताएं हैं, बाबा कहता है टीचर को अपने ढंग से सहज है, आपको भी। पहले बाबा ने कहा टीचर की भीड़ में ज़्यादा कठिन है, लेकिन अब बाबा उनको भी युक्ति बता रहा है कि तुम्हारे को भी कैसे सहज है। तो हर ग्रस्त प्रवृत्ति वाले के आगे दो सिचुएशन आती हैं, कंट्रास्ट आता है कि ऐसा करोगे तो ये मिलने वाला है, ऐसा करोगे तो ये मिलने वाला है। तो उनकी निर्णय शक्ति उनको सहज बना सकती है अगर वो राइट बात को समझ लें, परख लें और उस पर चलें। निर्णय करने की शक्ति कम है इसलिए सहज नहीं भासता है। लेकिन वो फिर मुश्किल बना लेते हैं क्योंकि कंट्रास्ट होते हुए भी निर्णय नहीं कर पाते। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया, फिर बार बार थोड़े ठोकर खाएंगे। बाबा कहते देखो गृहस्थियों को दुख किस कारण से मिला, चाहे वो मोह के कारण मिला, चाहे निरादर की फीलिंग के कारण मिला, जो भी कारण बना, ठोकर खाई, ठोकर से दुख मिलता है। कहते हैं दर दर ठोकर खाऊं मैं, कि जो कर्म किया उसमें कंट्रास्ट को ना देख करके गलत रास्ते से कर लिया तो दुख हो गया, लेकिन एक बारी समझ में आ गया ऐसा करने से दुख मिलता है तो फिर उसको दोबारा तो नहीं करेंगे। लेकिन निर्णय शक्ति कम होने के कारण ठोकर भी बार बार खा लेते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कंट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वो किसके अधीन नहीं होते, समझा? तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। अब तो जो मेरे से वरदान प्राप्त किए हुए हैं, मुझे अपना साथी बनाया हुआ है, मेरे से शक्तियाँ धारण किए हुए हैं, वो तो अधिकारी हैं, विजय के अधिकारी हैं, सफलता के अधिकारी हैं, तो वो अधीन नहीं हो सकते। इसलिए उसको भी इमर्ज करोगे कि हम भगवान के वरदान ही बच्चे हैं। दुनिया में किसके साथ परमात्मा है? हमारे को तो परमात्मा साथ रह के शिक्षा दे रहा है, तो वो भी उनके लिए भी सहज हो जाता है, जिसको सहज योगी कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी अधीनता का संकल्प बिना है, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होता। हाँ, निश्चय तो या होता है या नहीं होता। कोई ये तो नहीं कह सकता कि मुझे 80% निश्चय है। किसी का पिताजी है, वो कहे मुझे 80% निश्चय है कि ये मेरा पिताजी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। भगवान है, मेरा साथी है, वो तो 100% होगा कि नहीं, या निश्चय या संशय। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। दोनों क्वालिटीज चाहिए, स्नेह भी चाहिए और शक्ति स्वरूप भी चाहिए। बाबा तीन बातें बताते हैं, स्नेह, सहयोग और शक्ति। ये जो स्नेह है ये सहयोग को लाता है, सहयोग दिलाता भी और लाता भी है। सहयोग भी एक शक्ति है कि आपके बहुत सारे साथी हो जाते हैं, तो स्नेह और सहयोग वाले को शक्तियाँ मिलती हैं। और आपकी शक्तियाँ भी जो हैं वो स्नेह से आप बुलाएंगे तो शक्ति काम करेगी। अगर शक्ति को आप ऑर्डर करेंगे और आपका मन कंट्रोल भी नहीं है तो वक़्त पर आपकी शक्ति भी काम नहीं आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कंसंट्रेशन चाहता है, इस वक्त मुझे बिल्कुल एकाग्रता चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ। अब एकाग्रता की शक्ति को सामने आना चाहिए, लेकिन अगर उसने बाकी लाइफ के अंदर बाकी दिनचर्या में एकाग्रता नहीं रखी और वो इधर उधर और बातों में वेस्ट थॉट्स में रहा, अचानक वो कहे मेरी एकाग्रता हो जाए, तो एकाग्रता की शक्ति को उसके अंदर आने में भी प्रॉपर स्पेस चाहिए, तो वो नहीं आ सकती, देर से आती है या आती ही नहीं, फिर वो परेशान होता है। तो शक्तियाँ भी
कंट्रोल में स्नेह से ही आती हैं, उनको सहज रीति से प्रयोग किया जाए और उनका जो अपोजिट है यानी व्यर्थ संकल्प उसको निकाला जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो शक्तियाँ यानी ये अब माताओं के बाद बाबा बहनों की बात कर रहा है कि जो शक्ति रूप बहनें हैं उनको तो नेचुरली परमात्मा से सर्वशक्तियाँ प्राप्त हैं और उन सर्वशक्तियों के द्वारा अपने इंद्रियों पर भी कंट्रोल है, तो उनके लिए तो अधीन होना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये निश्चय रहे कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, उसमें ज़रा भी संशय ना आए तो बाबा कहता है फिर तो उनकी विजय है ही है। लेकिन कहा गया है निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती और संशय आत्मक बुद्धि विनशंती। बाबा ने ये भी कह दिया कि निश्चय का परसेंटेज नहीं होता, संशय का भी परसेंटेज नहीं होता। या तो आप निश्चय आत्मक हैं, निश्चय आत्मक में आप शूरवीर हैं, बहादुर हैं, शक्तिशाली हैं, और संशय आत्मक में आप इंस्टेंटली कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी सारी वो समर्थ जो है वो कमज़ोरी में बदल जाती है। तब बाबा कहते हैं कि उसको धारण करोगे तभी तो आपको निश्चय करोगे तभी वो शक्तियाँ और परमात्मा का सहयोग उनके द्वारा आपको मदद करेगा। ने संपूर्णता की निशानी बाबा ने ये बताई है कि यानी अगर स्नेह पूरा है, सहयोग पूरा है, शक्तियाँ भी पूरी हैं, वो भी सहयोगी हैं, तो ये संपूर्ण अवस्था की निशानी। फुल, पूरे का अर्थ होता है फुल। अब चंद्रमा भी पूर्णमासी कब आती, पूर्णमासी जब फुल होता है, एक दिन पहले और एक दिन बाद भी उसको फुल मून तो नहीं कहेंगे ना, ज़रा सा फर्क है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं संपूर्णता में परफेक्ट कंप्लीट और यथार्थ तौर पर स्नेह, और इसी प्रकार से पूरा और हर विधि पूर्वक शक्तियों का सहयोग, जिसको है वो संपूर्ण अधिकारी है, किसी के अधीन है ही नहीं, तो वो संपूर्णता की निशानी। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। हाँ, आप देखिए जो पक्के योद्धा होते हैं, शूरवीर योद्धा तो फिर भी युद्ध करता है, शूरवीर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि लोग शूरवीर का सामना करने से डरते हैं और इसलिए शूरवीर सरेंडर करा लेता है। एक होता है युद्ध करके जीतना, एक है कि इतना पावरफुल कि सामने वाला युद्ध करने की भी हिम्मत ना करे, वैसे ही हथियार डाल दे। तो बाबा इसलिए कहता है, एग्जांपल देते हैं शेर की। अब एक पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, तुम ऐसे शेर बनो जो दूसरा बकरी बन जाए। अब शेर जो होता है किसी से नहीं डरता और शेर से सब डरते हैं, तो शेर मैंने शूरवीर सिंह जैसा। अब बाबा कहते हैं देखा जाए तो सवारी शेर पर किसकी दिखाते हैं, शक्तियों की। हनुमान जी की नहीं दिखाते, गणेश जी की नहीं दिखाते, शक्तियों की दिखाते हैं। ये जो शेर पर भी सवार करे यानी जो जिससे शेर से सब डरते हैं उसके ऊपर जो बैठ जाए, सिंह के आसन पर बैठ जाए, जो शेर को अपना सिंहासन बना ले, दुर्गा वो शक्ति स्वरूप तो माताओं का ही है ना, शक्तियों का है, तो बाबा कहते हो वो विजय रूप है। ऐसे शूरवीर रूप सदा रखते हो। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना, और आज जो दो शब्द सुनाए वो सदैव याद रखना, साक्षी और साथी। ये शूरवीर ही परमात्मा को साथी बना सकता है और माया पर विजयी यानी अनासक्त, जो आसक्ति में नहीं आता, जिसने माया से मुख मोड़ा हुआ है वही जो है शूरवीर कहलाता है। ये थी बाबा की आज 13 मार्च 1971 की मुरली। मुरली में बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया है कि जो योगी होगा वही सहयोगी होगा और योगी को सहयोग भी उपलब्ध होगा, परंतु क्यों होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन बीज से होता है। जब बीज ही हाथ में आ गया तो वृक्ष तो अपने आप ही आ जाता है। निर्बंधन बनना है तो योग युक्त रहना है,
और दूसरा बाबा ने साक्षी और साथी जो दो शब्द आज दिए, उनकी धारणा, उनकी विशेषता, उसकी प्राप्ति बाबा ने बताई कि सर्वशक्तिवान जिसका साथी है उसके पास सर्व शक्तियाँ हैं, और साक्षी स्थिति में जो कर्म करते हैं उसका कोई बंधन नहीं बनेगा। इस प्रकार बंधन मुक्त बनने की युक्तियाँ आज हमने सीखी। ओम शांति।